नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है इजहान मलिक जी। इजहान मलिक जी अभी 26 साल के हैं और रतलाम के निवासी हैं। कई लोग हमसे सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करते रहते हैं कि जब ट्रीटमेंट चलते रहता है तभी आप बीमारियों के बारे में बताते हैं, जब मरीज ठीक हो जाता है तब वो कैसा है उसके बारे में यूट्यूब पर नहीं बता पाते हैं। दोस्तों, कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की जटिल बीमारी हो, उसको ठीक होने में एक निश्चित समय लगता है और ठीक होने के बाद साल दो साल बाद जब उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तब एकदम कंफर्मेशन होता है कि दवाई बंद होने के बाद भी उसको कोई परेशानी नहीं होती है। तब ऐसे जब मरीज आते हैं तब हम उनसे आपकी बात कराते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको हम जानकारी देते हैं। आज मैं जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ, रेक्टल प्रोलैप्स, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, बहुत ही कठिन समस्या है। रोज व्यक्ति लैट्रिन के लिए जाता है, सुबह रोज रेक्टम का कुछ भाग निकल करके आ जाता है, बहुत पीड़ादायक होता है, ब्लीडिंग होती है, दर्द रहता है, असहनीय सी पीड़ा होती है, मरीज को तो होती ही है, उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही इजहान मलिक जी कुछ साल पहले मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, लगभग 4.5-5 साल पहले, और 1-1.5 साल हम लोगों ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया था और पूरी तरह से ठीक हो गए। ठीक होने के बाद लगभग 2-2.5 साल उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं यूज किया, ना होम्योपैथिक ना एलोपैथिक। उसके शरीर को देखिए, ऊपर वाला करें कि उसको कोई नजर न लगे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो मैं चाहूंगा खुद इजहान जी बताएं कि उनको कब से क्या क्या परेशानी थी और कितने दिन होम्योपैथिक दवाई खाया, और होम्योपैथिक दवाई के बंद होने के बाद कोई परेशानी है या नहीं है। अभी ट्रीटमेंट बंद हुए लगभग 2-2.5 साल हो गया, कोई इलाज नहीं चला, मतलब जब कोरोना के पहले ही लगभग 6 महीने पहले से बंद हो चुका था, 1.5-2 साल ये कोरोना का भी गया। तो कैसे हो, अभी क्या परेशानी थी, कुछ याद है आपके, भूल गए सारा, कुछ बताएंगे लोगों को? ये प्रॉब्लम थी जब मैं फ्रेश होने जाता था तो उस टाइम ब्लीडिंग मुझे बहुत होती थी और एक स्किन का पार्ट जो है वो बाहर निकल आता था, तो उस वजह से मैं बहुत परेशान था, मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। तो पहले हमने देसी इलाज करके देखा था, हमें उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम हमारे किसी परिचित ही कहने पर जहाँ इंदौर अपोलो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए आए थे, बट उन्होंने ऑपरेशन के लिए कहा था हमें और वो रिस्की था। फिर हमने यूट्यूब पर सर का वीडियो देखा था जिसमें सर इस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर हम YouTube देखकर सर से मिलने के लिए आए और अप्रैल 2017 में मेरा ट्रीटमेंट जो है चालू हुआ था। और उस ट्रीटमेंट मैंने पूरा फॉलो किया और उसमें कोई परहेज भी रहता है, सर का ट्रीटमेंट बराबरी से फॉलो करना रहता है। करीब 1.5 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला, तो सितंबर 2018 में मेरा ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो गया। इस बीच मुझे 6 महीने के अंदर ही रिलैक्स होने लग गया था। ट्रीटमेंट कम्प्लीट होते होते पूरी प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने में 1 साल का टाइम और लगा और सितंबर 2018 से पूरी तरह से ठीक हूँ, पूरी तरह से हेल्दी हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। वेरी नाइस। सितंबर 2018 से उसको कोई परेशानी नहीं है और दवाई भी बंद हो चुकी है। सितंबर 2021 जा चुका है, मतलब 3 साल लगभग उसने कोई भी दवाई ले लिया। लेकिन इसके इलाज में जो सबसे बड़ा सूत्रधार है उसके चाचू जी हैं। मैं चाहूँगा इनकी बड़ी मेहनत रही है, इन्होंने बड़ा लगातार दवाइयाँ उसको दिया, रतलाम में रहते थे, रेगुलर दवाई मंगाते थे, गैप नहीं होने देते थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ट्रीटमेंट में रेगुलरिटी का कितना महत्व होता है, और लोग जब ऑपरेशन डॉक्टर बता देता है तो ऑपरेशन के बजाय होम्योपैथी के लिए लोगों को रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। मैं ये भी चाहूँगा कि लोगों को बताओ भाई क्या होना चाहिए। देखिए, होता क्या है, जब ये प्रॉब्लम आती है तो सभी आज के समय में एलोपैथी की तरफ जाते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं, और जब हम किसी डॉक्टर से मिलने गए एलोपैथी डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि ये बीमारी इस तरह की है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जब हमने पूछा कि ऑपरेशन कितनी बार होगा तो बोले अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ये वापिस से आ भी सकते हैं, फिर वापिस आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ी भयावह स्थिति थी। लेकिन जिस तरह से आज हम आपको बता रहे हैं, इसी तरह से YouTube पर भी हमने जानकारी ली, तो मिस्टर राजेश करके थे कोई मध्य प्रदेश थी, उन्होंने हमें जानकारी दी कि नहीं, यहाँ पर जो सर द्विवेदी सर इस चीज का परफेक्ट इलाज करते हैं, वो उन्होंने एक्सपीरियंस हो कि कम से कम 2-3 साल दूसरे लोगों के पास गए, इलाज करवाए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन द्विवेदी सर के पास आए और उनको सफलता मिली, इससे हमें प्रेरणा मिली और हम इनसे आके मिले। और जब सर से मिले तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, हमने हमारी पूरा रिपोर्ट वगैरह सर उन्होंने देखी, उसके बाद हमने स्टेटमेंट को फॉलो किया।
इस ट्रीटमेंट के अंदर शुरू में हमें लगता है कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत प्रिकॉशंस रखना पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर इसमें प्रिकॉशंस पूरी रखी जाए, इसके रूल्स को फॉलो किया जाए और इस ट्रीटमेंट को लिया जाए तो बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट आते हैं और आने वाले समय में आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर रहना पड़ता है, रह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम पर, और इसके लिए हमने जो है सबसे बड़े जो धन्यवाद देते हैं द्विवेदी सर को, जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमें। तो दोस्तों, यदि आपको ब्लीडिंग पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम या लैट्रिन के रास्ते की कोई भी परेशानी है तो आप तुरंत ऑपरेशन के लिए मत जाइए, कुछ दिन होम्योपैथिक दवाई लेकर के देखिए, हो सकता है आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि जैसे ही रोज आप लैट्रिन जाते हैं तो दबाव आता है, तो ऑपरेशन के बाद ये बीमारी वापस हो जाती है। ये बार बार होने वाली बीमारियों में से होती है और 3 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता है। 3 साल में अगर दोबारा बीमारी नहीं आई तो हम उसको क्योर बोल सकते हैं। तो आप इसी तरीके से होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते रहिए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए भरोसा जताने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।